हाँ जी मैम, आपके पोते ध्रुव को प्रोटीन यूरिया था, यूरिन में प्रोटीन जाता था ना? कब से? ढाई साल से। हाँ जी, ढाई साल से। ढाई साल से जाता था, ठीक है। तो आपने उसके लिए पहले स्टेरॉइड्स वगैरह जो देते हैं मॉडर्न मेडिसिन, वो सब कराया होगा? हाँ जी। तो उससे क्या होता था, ठीक हो जाता था? उससे काफ़ी फर्क पड़ा था, पर जब से आपसे दवाई लिया उससे और ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। नहीं, हुआ जैसे स्टेरॉइड चलते थे तो फिर प्रोटीन बंद हो जाता होगा, फिर आप स्टेरॉइड बंद कर देते होगे, फिर शुरू हो जाता था, तो ऐसे चलता रहता था। हैं, तो लगातार मतलब यह कि स्टेरॉइड बीच बीच में देने पड़ते थे। फिर आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन कितने दिन दी आपने? तीन चार महीने हो गए अब। तीन चार महीने, तो अब तीन चार महीने में एक बार भी स्टेरॉइड नहीं देना पड़ा और प्रोटीन भी नहीं आ रहा है। तो पहले तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेरॉइड जो है वो अवॉइड किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, ऐसा लग रहा है ना? क्योंकि अब तीन महीने से कोई प्रोटीन नहीं आ रहा है और दवाई भी अब कम होती चली जा रही है, बिल्कुल कम हो गई है ना? ठीक है। पहले स्टेरॉइड जब खाता था बच्चा तो थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती थी, जैसे होता था थोड़ा भूख बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, ये होता था? हाँ जी। लेकिन अब इन मेडिसिन, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना? अभी कुछ नहीं। थोड़ा एक्टिव भी हो गया पहले से? एक्टिव तो खैर पहले, एक्टिव पहले से भी था। हैं, अच्छा अच्छा, चलिए उम्मीद है कि थोड़ा और दो तीन महीना आप खिलाएंगे तो आजीवन के लिए जो है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके ग्रैंडसन को भी।